कहानी की शुरुआत होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल में, जहां बोहेमिया नाम का कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। उसने देखा कि कैप्टन विफिलसी की एक बहुत निर्दयी आदमी था, अपने मजे के लिए बहुत बुरी तरह कैदियों को मारता था। जल्दी बोहेमियम को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला, जहां हर एक कैदी काम करने का सपना देखता था। असल में जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करेगा, उसकी जेल की सजा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए ध्यान काम पर ही लगा रहता और दिन आराम से कट जाता। फिर एक दिन पता चलता है बोहेमियम को कि उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया जाता है। वो चाहता था बोहेमियम एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके कहा। 1 साल में बोहेमियन को छोड़ दिया जाएगा। फोर्डन ने कहा कि वो अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना चुनता है। बोहेमियन ने हैचेट नाम के कैदी को चुनने का बोला तो वोर्डन ने उसके लिए साथ मना कर दिया। हैचेट बहुत खतरनाक कातिल था जिसने कई लोगों को बेरहमी से मार डाला था। जब पता लगा कि वो टीम के लिए जरूरी है, वो बहुत मेहनती है, तो वार्डन उसकी बात मान गया। बोहेमिया ने अपनी टीम बना ही ली इन सब कैदियों को उठाकर। बोहेमिया के दोस्त हैजर्ट से थोड़ा डर रहे थे। बोहेमिया ने उन्हें समझाया कि हैजर्ट से बस बात मत करे, उसे अपना काम करने दो। बोहेमियन और हैजर्ट काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि तो कुछ समय पहले हैजर्ट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। जल्दी उनकी टीम काम करने वर्कशॉप जहाँ पहुंची, नीडल एक गार्ड को चिढ़ाने लगा। गार्ड उससे बहुत चिढ़ गया। अभी वो निडल को मार नहीं सकता था क्योंकि वर्कशॉप पे उन्हें उनकी जरूरत थी। फिर हम देखते हैं सभी कैदी काम करने की तैयारी करते हैं। कुछ देर बाद गार्ड ने वहां आकर सबको चॉकलेट बांटी, क्योंकि गार्ड को एक बच्चा हुआ था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी देने के लिए कहा कि कैदियों से दूर रहो, क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, और उन्हें लगेगा कि गार्ड नरम स्वभाव के हैं तो गार्ड को मार डालेंगे। बोहेमिया की टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया। जब हैचर्ट ने मशीन चालू करने से किसान कर दिया, तब हैचर्ट को पता लगा कि मशीन में कबूतर फंसा हुआ है, इसलिए वो मशीन स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन मशीन खोलने की उन्होंने कोशिश की, उनके पास औजार नहीं थे। कैप्टन और गार्ड उन्हें देखने आते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। कैप्टन ने बोला कि मशीन चालू कर दो, कबूतर को मार दो। फिर गार्ड को मशीन चलाने को कहा, लेकिन जैसे ही गार्ड चलाने लगा मशीन को, हैचेट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और बोला कि कबूतर आजाद करके ही मशीन चालू होगी। तभी नीडल ने कैप्टन से हमला करके बेहोश कर दिया। फिर ट्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहा। ये सब देख के बोहेमियन काफी घबरा गया, क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। कैप्टन और गार्ड को अपने कब्जे में कर रखा था उन्होंने, अब वो आगे के बारे में सोचने लगा था। बोहेमिन ने धमकी दी कि वो पुलिस को फोन करके सच बता देगा। इतने में हैजर्ट ने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कैप्टन को मार डालेगा। कैप्टन बोलता है कि वो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे सभी डर गए। फिर बोहेमिन ने कहा कि उसे कैप्टन और गार्ड को छोड़कर काम पर लग जाना चाहिए। मास्टर और क्रेजी भी बोहेमिन की बात से सहमत थे, पर नीडर जानता था कि अगर कैप्टन को छोड़ दिया तो कैप्टन उन सबको मार डालेगा। बोहेमियन ने हैचर्ट से गार्ड को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हैचर्ट ने कहा, जब तक वो कबूतर आजाद नहीं होता तब तक काम शुरू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बोहेमियन ने फिर से मशीन को खोलने की कोशिश की, मशीन ना काम रही खोलने में। अब हैचर्ट ने कहा, अगर ये कबूतर मारा गया ना तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। ये सुनकर हंगामा क्यों कर रहा है? फिर उसने हैचेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद हैचेट गुस्से में आ गया और कैप्टन को मारने डोला, लेकिन बाकी कैदियों ने जैसे कैसे शांत किया। बोहेमियन जानता था कि जल्द ही जेल के बाकी गार्ड वहां आते ही होंगे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो कैप्टन को रिहा कर देंगे ताकि बदले में वो भी सही सलामत जेल वापस जा सके। कुछ ही देर में हार्ड आकर दरवाजा खटखटाने लगे। कैप्टन ने चिल्लाकर अपना सारा हाल बता दिया। बाहर से अपने गार्ड को दरवाजा खोलने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठ के बाकी गार्ड को बुलाने चला गया। इतने में बूढ़े मास्टर बोला कि बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। फिर वो हाथ खड़े करके दरवाजे से बाहर निकला तो गार्ड ने उन पर मुंह ताक दी।
फिर उस गार्ड ने बिना किसी बात के ही बंदूक चला दी। इतने में मास्टर मर जाता है। जब उनको इस बात का पता लगता है तो बोहेमियन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट ही तोड़ डाला और दरवाजे को बंद कर दिया। फिर कुछ समय बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। वार्डन ने कहा कि वो उन कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। वार्डन ने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि बात हो सके, मामला सुलझ सके, बट पुलिस वहां से हिलने को तैयार नहीं। उधर कैदियों की टोली अंदर ही फंसी हुई थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस क्राइम पर क्या किया जाए। बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और बोला कि दरवाजा खोल कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इतने में ग्रेजी ने बोला कि उन सबका वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ। हैजर्ट ने भी धमकी देते हुए कहा अगर उनमें से किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो गार्ड और कैप्टन को टर्न से मार डालेगा, फिर अपना अपना देख लेना तुम लोग। फिर सबको समझ आ गया अगर इस मुसीबत से जिंदा निकलना है तो उन्हें उस कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। इधर पुलिस चीफ ने वार्डन से कहा कि 1 घंटे का समय दिया जाता है मामला सुलझाने के लिए, वरना वो कर सबको मार डालेंगे। वार्डन ने माइक्रोफोन के जरिए कैदियों से बात की और उनसे कहा भाई देखो कैप्टन और गार्ड से छोड़ दूँ तुम्हारी इसी में भलाई है। वार्डन ने भी विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, इस गलती को भूल दिया जाएगा, पर मशीन को खोलने की कोशिश की, उस कैप्टन से चाबी ली और जंजीरों को रिहा कर दिया। नीडल ने इसका विरोध किया। बोहेमियन ने कहा वो कबूतर को आजाद करके ही दरवाजा खोलकर पुलिस को हवाले करेंगे। इस बात से नीडल और बोहेमियन के बीच हाथापाई हो गई। नीडल 1,000 से बोहेमियन की जान लेने वाला था। हैचट ने उसे पीछे से उठाकर दीवार पे दे मारा। इसके बाद वो सब मशीन को खोलने में जुट गए। हैचट ने बहुत जोर लगाकर मशीन को ही फाड़ डाला, लेकिन अभी भी एक और परत बाकी थी उतारने। उन्होंने देखा कि कबूतर अब भी जिंदा था। तभी उन्होंने हैजर्ट से पूछा कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। हैजर्ट ने बताया कि उसे हर रोज डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे एक कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। वो तो बुरी तरह चिल्लाता है, अंत में वही दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वो इस कबूतर में खुद को देख रहा था। उससे लगता था कि अगर ये कबूतर बच गया तो शायद वो भी बच जाएगा, उसके बुरे सपने बंद हो जाएंगे। वो एक कबूतर में खुद को इमेजिन कर रहा था। इतने में वो गार्ड की मदद मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले कैप्टन को छोड़ो ताकि कैप्टन जाकर बाहर पुलिस को बता सके, पर नीडल उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था। पर अचानक उसने कैप्टन को लेकर लकड़ी पर वाज कर दिया। होइनमियन ने समझाया कि अगर कैप्टन को छोड़ दिया तो हमारे साथ तू भी मारा जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसे बचाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल खारिज तो नहीं करेगी सरकार। फिर गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो वो मदद करने के लिए राजी हो गया। वहीं बाहर पुलिस तैयार थी मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन वार्डन मामले को सुलझा नहीं पाया। वार्डन को यकीन था कि दोनों जिंदा हैं अभी। इतने में उधार लेने जाते हैं। क्रेजी ने कहा कि हैजर्ट शुरू से बोझ आदमी नहीं था, पर एक रात में उसने पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। उस रात हैजर्ट के भाई की शादी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब हैजर्ट के भाई ने उसे रुकने को कहा तो नशे में हैजर्ट ने अपने भाई को ही मार डाला। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो हैजर्ट ने उनकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब उसे जान ले ली तो उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले के कर दिया। तभी बाहर से वार्डन ने बोहेमियन को बात करने के दरवाजे पर बुलाया। असल में उनकी मोहलत का 1 घंटा बीत चुका था, मगर बोहेमियन ने कहा तो उन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालने के लिए 1 घंटे का समय और चाहिए। फिर वार्डन ने कहा कि कैप्टन से बात की तो इतने में कैप्टन बोला यहाँ कोई कबूतर है नहीं, ये कैडी तो भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो वार्डन ने कहा कि कैप्टन और रिहा गार्ड को रिहा करने के लिए 60 मिनट हो रहा है। वार्डन ने बोहेमिया को रिहा करवाया कि क्यों अपनी जिंदगी के साथ मजा ले रहा है। काम पूरा हो तो ये चीज छोड़ देंगे, लेकिन जब बाकी कैदियों ने बात सुनी तो इसका मतलब ये था कि बोहेमिया उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये देखकर कैप्टन तो जोर जोर से हंसने लगा तो बोहेमियन ने उसे मुक्का मार दिया। फिर वो कैप्टन को रिहा करने लगा तो नीडल ने उसका विरोध किया। तब बोहेमियन ने कहा वो सिर्फ कैप्टन को रिहा करेंगे और गार्ड को बंदी बनाकर रखेंगे। फिर जब बोहेमियन ने कैप्टन के पास आया अचानक पुलिस चीफ ने उन पर गोली चला दी। अब बोहेमियन तुरंत कैप्टन को लेकर वापस अंदर ले आया।
और मामला फिर गर्म हो गया। उधर बाहर वॉर्डन ने गुस्से में पुलिस चीफ के मुंह पर में मुक्का मारा। चीफ ने कहा, क्या हो गया भाई? समय खत्म हो गया, बाहर निकालना चाहिए हमारे सोल्जर को। तभी वहां एक ट्रक में कई सिपाही आ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सभी कैदी मशीन के ढक्कन में छेद करने में कामयाब हो गए। फिर बोहेमियन ने कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर कबूतर उसके हाथ नहीं लगा। नीडल ने तो ग्राइंडर की मदद से ढक्कन को काटने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ, ढक्कन नहीं कटा। आखिरकार उन्होंने एक और छेद करने का फैसला किया। तब बोहेमियन ने कैप्टन से उजारों वाले कमरे की चाबी ले ली। वहीं बाहर सिपाहियों ने वर्कशॉप के ऊपर धावा बोलने की तैयारी कर ली। अंदर कैदी वेल्डिंग मशीनें से लगे थे, मगर उन्हें मशीन चलाने नहीं आते थे लोहा पिघलाने के लिए। तो कैप्टन उनकी मदद के लिए आया, मगर कैप्टन लोहा पिघला रहा था। तो उधर सिपाहियों ने दरवाजे पर बम फोड़ने की तैयारी कर ली थी। आखिरकार कैदी मशीन खोलने में कामयाब रहे, मगर वो कबूतर वहां से उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैप्टन ने अपनी बंदूक निकाली और कैदियों पर तान दी। अचानक हैचर ने कूद कर उसकी गर्दन पकड़ ली। हैचर ने उसका सर कुचल कर उसे बेरहमी से मार डाला। ये देखकर गार्ड की तो सिट्टी फिट्टी गुल हो गई भैया। इसके बाद हैचर ने कबूतर को बाहर निकाला और उसे पानी से साफ किया। तभी अचानक दरवाजे से जबरदस्त बम ब्लास्ट होता है और सब सिपाही अंदर घुस आते हैं। सभी कैदी डरकर जमीन पर लेट गए, मगर हैचर खड़ा हुआ, उसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। तभी पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुमन किया। तो उस वारदात के बाद हैजर्ड की मौके पर मौत हो गई, लेकिन बाकी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे, कबूतर के आजाद होने की खुशी मना रहे थे। लेकिन टीचर से गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड ने झूठ कह दिया कि हैजर्ड ने सबको बंदी बना रखा था, इसी वजह से कैदियों को बिना किसी सजा के वापस जेल भेज दिया गया। मोहिमियन और उसकी टीम और हैजर्ड हीरो बन गया, और वहीं कबूतर को आजाद करते ही हैजर्ड की जिंदगी का मकसद